हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे गूगल फॉर्म से आप एक ऑनलाइन क्विज बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने गूगल में टाइप करिए गूगल फॉर्म। उसके बाद आपको जो सेकंड लिंक दिखेगा गूगल फॉर्म साइन इन, आप इसको खोलिए। उसके बाद आपके पास गूगल फॉर्म की ये टेम्पलेट गैलरी से आप एक न्यू फॉर्म ब्लैंक फॉर्म चूज़ कर सकते हैं इस प्लस आइकन पर क्लिक करके। उसके बाद आपके पास ये न्यू फॉर्म खुल गया है। इस फॉर्म को आप अपने अकॉर्डिंग एक क्विज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस फॉर्म का नाम रखिए क्विज़। उसके बाद अब आप इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या क्विज़ की तरह क्रिएट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा नेम ऑफ स्टूडेंट। मैंने इसको मैंडेटरी कर दिया और आप देख सकते हैं इसका टाइप शॉर्ट आंसर है, मतलब कि एक नेम हमेशा शॉर्ट आंसर होगा। यहाँ से क्विज स्टार्ट करता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है 3 × 4 − 1। मैं ये क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन नंबर 1 और मल्टीपल चॉइस टाइप है। इसमें 4 ऑप्शन दिए और यहाँ से इसको मैंडेटरी कर दिया। उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन डिज़ाइन करता हूँ इस पर। मैंने एक और क्वेश्चन डिज़ाइन किया, ये भी मल्टीपल चॉइस है। इसमें भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ। और इस क्वेश्चन को मैंने मैंडेटरी कर दिया। देखिए, मैंने यहाँ पर एक क्विज़ डिज़ाइन कर लिया है जिस पर मैंने नेम ऑफ स्टूडेंट और 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ये क्विज आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप इस आई बटन पर क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट और ये 2 क्वेश्चंस। बाद आप सेटिंग में जाके, आपको 3 टैब दिखाई दे रहे हैं। आप क्विजेस टैब में जाके यहाँ से इसको मेक दिस क्विज में क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इसको सेव कर लीजिए। आपने ये मेक दिस क्विज ऑन कर लिया, ध्यान रखिए। यहाँ से आप इसको सेव कर लीजिए। जैसे ही आपने इसको सेव किया, आप क्वेश्चंस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको आंसर्स की दिखाई देगी। आप उस आंसर्स की पर क्लिक करिए। जो सही आंसर है आप उस पर टिक कर लीजिए। देखिए आपने उसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से उसके मार्क्स असाइन कर लीजिए और इसको डन यूज़ कर लीजिए। तो आपने इस क्वेश्चन की आंसर की सेट कर दी है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में भी आप पहले क्लिक करिए, उसके बाद आंसर की पर क्लिक करिए, उसके बाद सही आंसर को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप क्वेश्चन के मार्क्स असाइन कर लीजिए और डन पर क्लिक कर लीजिए। ये देखिए आपने एक और नेम ऑफ स्टूडेंट के कोई मार्क्स नहीं अलाउट होंगे, तो आपने 2 क्वेश्चन तैयार कर लिए। दोनों को 5 मार्क्स का दिया हुआ है और दोनों का आंसर आपने सेट कर लिया है। अब आप रिस्पॉन्स सीट में जाएंगे। यहाँ पर आप इस ग्रीन आइकन पर क्लिक करेंगे। आपको क्रिएट अ न्यू स्प्रेड सीट, आपको एक नई एक्सेल सीट क्रिएट करनी है। इस क्रिएट बटन पर क्लिक करने से ये देखिए आपकी एक नई स्प्रेड सीट बन गई है, जिसमें बच्चे का स्कोर इसमें बच्चे का स्कोर, बच्चे का नाम और उसके आंसर्स स्टोर होंगे यहाँ पे। तो इस तरह जितने भी बच्चे इस क्विज को अटेम्प्ट करेंगे उन सब का स्कोर यहाँ पर ये एक्सेल सीट फिल हो जाएगी। अगर आप इस क्विज को
अगर आप इसका कोई टाइम रखना चाहते हैं, टाइम अलॉट करना चाहते हैं, या आप इस स्विच को इसको ऑफ़ करना चाहते हैं किसी टाइम के बाद, तो आप यहाँ से इसको ऑफ़ कर सकते हैं। देखिए रिस्पांस टैब में, यहाँ से आप इस स्विच को ऑफ़ कर सकते हैं जब इसका टाइम ओवर हो गया। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्विज टाइम ओवर, ताकि जब बच्चे किसी किसी फिक्स टाइम के बाद इसको अटेम्प्ट करेंगे तो उनको ये मैसेज शो होगा। देखिए अब आप इस क्विज को अगर बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस सेंड बटन पर क्लिक करिए, और आप मेल के थ्रू भी बच्चों को भेज सकते हैं, या यहाँ से इस टैब पर क्लिक करके आपके पास ये लिंक जो बना हुआ है, इस लिंक को शॉर्ट किया आपने, कॉपी करके भी आप इस लिंक को कॉपी करके या तो व्हाट्सएप के थ्रू या किसी अन अदर मीडियम के थ्रू भी आप इस कोड को शेयर कर सकते हैं। देखिए इस कोड पे जब बच्चे क्लिक करेगा और तो उसको कुछ इस तरह का पेपर दिखाई देगा। ये देखिए टाइम ओवर दिखा रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे रिस्पॉन्स में इसको ऑफ किया हुआ है। मैं इसको ऑन करूँगा पहले, बाद में यहाँ पर एक नए टैब में मैं ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया। इसके बाद स्टूडेंट अपना नाम यहाँ पर फिल करेंगे और इनके आंसर्स अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे, सबमिट कर देंगे, और इनके ये सारे आंसर्स और रिस्पॉन्स हमारे पास हमारे शीट में, ये स्प्रेडशीट में स्टोर हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट ABC ने 10 out of 10 स्कोर किया हुआ है, उसके दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक हैं। इस तरह से आप एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म को एक क्विज के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसके उसके इनसाइट्स भी देख सकते हैं, इनका ग्राफ, इनका स्टैट्स देख सकते हैं। ये था कि हम गूगल फॉर्म से क्विज कैसे डिज़ाइन करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।